Now, in the last video of chapter number 7, class 4, we will study about ordering decimals. कि हम decimals को order कैसे करते हैं? Order कौन-कौन से? कि ascending order और descending. सबसे पहले हम example आपको दे रखा है 7.4, 7.2, 8.99, 12.32. अगर आप देखें तो ये unlike है. सबसे पहले क्या करना है आपने? लाइक में चेंज करना होता है. ऑर्डर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप उसको लाइक में चेंज करेंगे. दोनों इसमें वन डेसिमल, इसमें वन, इसमें टू, इसमें टू, तो मैक्सिमम आपके टू डेसिमल प्लेस है, तो सब में मैंने टू डेसिमल प्लेस करना है. 7.40, एक जीरो ऐड कर दिया, ये बन गया आपका 7.20, एक जीरो ऐड कर दिया, टू डेसिमल प्लेस बन गया. ये ऑलरेडी टू डेसिमल प्लेस था तो एज इट इज, और ये भी टू डेसिमल प्लेस था तो ये भी एज इट इज. अब मैं इन क्या करूँगी, इनका पॉइंट हटा दूंगी और सिर्फ होल नंबर लिख दूंगी. ये बन गया 740, ये 720, ये 899 और ये 1232. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है आपका 720, फिर 740, फिर 899, फिर 1232. तो 720 का आपका फ्रैक्शन क्या था? 7.2, सॉरी डेसिमल. 740 का 7.4, 899 का 8.99 और 1232 का 12.32. तो ये क्या हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.5. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. ये आपको गिवन है क्वेश्चन, अनलाइक है, लाइक में कन्वर्ट किया, इसमें टू डेसिमल है, इसमें टू, इसमें टू, इसमें थ्री, तो तीनों को, सारों को मैंने थ्री में कर दिया. इसमें भी एक जीरो ऐड कर दी एंड में, इसमें भी एंड में एक जीरो ऐड कर दी, इसमें भी एंड में एक जीरो ऐड कर दी, और ये थ्री था तो ये आपका एज इट इज रह गया. अब डेसिमल हटा दिया तो ये बन गया आपका 6030, ये 6300, ये 6330 और ये 6343. अनलाइक अब ये होल नंबर में लिख दिया, अब असेंडिंग में करने के लिए सबसे छोटा 6030, फिर उससे बड़ा 6300, फिर उससे बड़ा 6330, फिर उससे बड़ा 6343. तो 6030 आपका क्या है? 6.03. 6300 आपका 6.30, 6330 आपका 6.33 और 6343 आपका 6.343. तो ये क्या हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखें तो अनलाइक को लाइक में चेंज किया, दो डेसिमल प्लेस थे, इसको दो में कर दिया, ये ऑलरेडी टू है, ये भी ऑलरेडी टू है, सारे टू डेसिमल प्लेस में हो गए, तो ये लाइक डेसिमल. पॉइंट हटाया तो ये बन गया 9, ये 90, ये 93 और ये 99. तो सबसे छोटा 9, फिर उसके बाद 90, उसके बाद 93 और उसके बाद 99. तो 9 का डेसिमल था आपका 0.09, 90 का था 0.9, 93 का था 0.93 और 99 का था 0.99. तो ये क्या हो गया आपका? इसका असेंडिंग ऑर्डर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मेथड सेम है, बस आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अनलाइक डेसिमल्स थी, उसको लाइक में चेंज किया, उसके बाद पॉइंट हटा के जब नंबर लिखा तो ये आया 50, ये 150, ये 350, ये 250, ये 315. डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा 350, उसके बाद 315, उसके बाद 250, उसके बाद 150, उसके बाद 50. अगर आप देखें तो मैं डिसेंडिंग में ग्रेटर देन का साइन लगा रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है. और जब मैंने असेंडिंग किया था तब मैंने क्या साइन लगाए थे? लेस देन के, क्योंकि ये सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो आप ये वाला ग्रेटर देन वाला साइन लगा के चलते हैं, और जब आप असेंडिंग में लगते हैं तो आप ऐसे लेस देन वाला साइन लगा के चलते हैं. अब 350 का डेसिमल प्लेस था 3.5, 315 का था 3.15, 250 का 2.5, 150 का 1.5 और 50 का 0.5. तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ फोर्थ पार्ट अगर देखूँ, अनलाइक था, लाइक में कन्वर्ट किया, जीरो ऐड करके पॉइंट हटा के होल नंबर्स में लिखा. सबसे बड़ा है आपका 2332, फिर 2330, फिर 2320, फिर आपका 2300, फिर आपका 2220. तो 2332 का था 2.332, इसका 330 का था 2.33, 320 का था आपका 2.32, 300 का था आपका 2.3 और 220 का था आपका 2.22. तो ये क्या हो गया आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको पहले लाइक में चेंज करना है. अगर आप देखें ये 8.4 है, ये 0.78, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूँगी?
ज़ीरो लगा दूंगी। ज़ीरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक डेसिमल था इसमें दो थे, तो इसमें दो करने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। दोनों लाइक हो गए, अब मुझे प्लस करना है। ज़ीरो प्लस एट एट, फोर प्लस सेवन इलेवन, इलेवन का वन यहाँ वन कैरी, एट प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन नाइन, तो ये क्या बन गया 9.18। तो इसका आंसर आ गया आपका 9.18। सेकेंड है आपको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम ऊपर लिखते हैं और ये वाला नीचे, ये आपके ऑलरेडी लाइक है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इधर से कैरी लिया, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं। ये बन गया 12, 12 में से 8 गया 4, इसने इसको 1 दिया था तो ये बन गया 3, 3 में से 6 नहीं जाता तो इसने इससे बोरो ले लिया तो ये बन गया 13, 13 में से 6 गया 7, इसने इसको बोरो दिया था तो ये बन गया 7, 7 में से 3 गया तो ये बन गया आपका 4। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड, आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 4 6, डेसिमल आपका एज इट इज़, 2 प्लस 7 9, 5 प्लस 2 7, पॉइंट आपका एज इट इज़, तो आंसर आ गया 7.9। 1 प्लस 8 आपका 9, 2 प्लस 7 9, 0 प्लस 0 0, आपका आंसर आ गया 0.99। इधर 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 7, 0 प्लस 0 0, तो इसमें आपका आंसर आ गया 0.78। नाउ इधर देखें आप, 4 प्लस 7 इज 11, 1 यहाँ 1 कैरी, 7 प्लस 4 इज 11, प्लस 1 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 इज 11, तो इसका आंसर आ गया आपका 11.21। नाउ सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट, तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट जहाँ था वहीं का वहीं रह गया 0.2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, आंसर आ गया 3.2, 0 में से 8 नहीं जाता, इधर से कैरी लिया ये बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, इसने इसको बोरो दिया था तो ये बन गया 8, 8 में से 3 गया 5। सिमिलरली 8 में से 9 नहीं जाता, इधर से बोरो लेंगे ये बन गया 18, 18 में से 9 गया 9, इधर इसको बोरो दिया था तो ये बन गया 0, तो 0 में से 0 गया 0। इधर 8 माइनस 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, तो ये क्या बन गया आपका 0.12। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इज अबाउट स्टोरी सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको थर्ड बता रही हूँ। पहले वेदन के पास इतना मीटर 3.11 मीटर रिबन है, उसने उसमें से 1.25 मीटर रिबन को फ्लावर के बंच से को टाई कर दिया, तो अब उसके पास कितना रिबन रह गया, मतलब उसके पास इतना रिबन था उसमें से इतना रिबन उसने फ्लावर्स को टाई करने के लिए यूज़ कर लिया, तो मुझ में अब कितना रिबन रह गया मेरे वेदन के पास वो बताना है। तो टोटल लेंथ थी आपकी रिबन की 3.11 मीटर, रिबन यूज़ किया जो फ्लावर्स को बांधने के लिए वो था 1.25 मीटर, तो कितना रह गया, तो आप क्या करेंगे दोनों को माइनस, 3.11 में से 1.25 क्या कर देंगे माइनस। जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे, इधर से आप 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, इसने इसको 1 कैरी दिया था तो ये बन गया 0, अब 0 में से 2 नहीं जाता तो एक और यहाँ से बोरो करेंगे ये बन गया 10, 10 में से 2 गया 8, इसने इसको बोरो दिया था तो ये बन गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आ गया 1.86। तो कितना मीटर रिबन लेफ्ट रह गया, 1.86 मीटर, हैंस 1.86 मीटर रिबन इज लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक बॉटल है जिसमें 1.35 लीटर ऑफ वाटर है और एक टैंक है जिसमें 7.48 लीटर ऑफ वाटर है, तो टोटल वाटर कितना हुआ, तो वाटर आपका बॉटल में है 1.35 लीटर, वाटर इन टैंक 7.48 लीटर, टोटल वाटर के लिए क्या करूँगी दोनों को ऐड, 5 प्लस 8 13, 3 यहाँ 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 7 8, तो टोटल वाटर कितना हुआ आपका 8.83 लीटर, hence the total amount of water is 8.83 liter. Now this is the completion of chapter number 7. We will study about the next chapter in the next video.